देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। आज आपकी पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति हो चुकी और आपकी थोड़ी देर में विदाई भी होने वाली है। क्या आपने इसमें पाया कि क्या क्या उपलब्धि आपको इस उपासना से, इस अनुष्ठान से आपको मिली? यदि गहराई में आपने विचार किया होगा और आप मंथन किया होगा तो अनेकों उपलब्धियों के रूप में आपकी झोली में वो अनुदान और वो वरदान पड़े होंगे जिसमें आप नहीं समझ सके होंगे कि इस वातावरण में किस तरीके से हम आपके साथ घुले रहे और आपके साथ हम छाए रहे। आप ये समझते हैं कि आपने अकेले ने अनुष्ठान संपन्न किया है, आप अकेले नहीं कर सकते। इसमें हम जुड़े हुए हैं आपके साथ में, गुरुजी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तब आप ये संपन्न कर पाए हैं। आप अपने घर करते थे उस अनुष्ठान में और यहाँ जो आपने 9 दिवसीय अनुष्ठान किया है, जो आपने विशेष उपासना के लिए विशेष जो आपने संकल्प लिया है, उसको आप देखिए। और आप अपने घर आप जब आप करते थे उसको आप विचार करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ज़मीन और आसमान का अंतर है, और इतना अंतर है कि हम आपसे क्या कहें। ये प्रभाव है, इस भूमि का प्रभाव है। इस भूमि पर विश्वामित्र ने तप किया है और दूसरा आपके युग ऋषि, युग का विश्वामित्र है, उसने तप किया है। इस भूमि पर करोड़ों की संख्या में और अरबों की संख्या में यहाँ जप और अनुष्ठान होते रहे हैं, होते हैं और होते रहेंगे। इस भूमि का वो प्रभाव है, इस वातावरण का वो प्रभाव है कि व्यक्ति न मालूम क्या क्या चिंताओं से ग्रस्त और किन किन समस्याओं से उलझा हुआ आता है और यहाँ शांति और संतोष पाता है। आखिर क्यों? तो आप इसमें एक ही पाएंगे, वो पाएंगे ये कि इसमें, इसके कण कण में बेटे गुरु जी का प्राण, हमारा प्राण इसमें घुला है, हर कण कण में इसमें घुला हुआ है। वो प्रभाव है, वो वातावरण है जो आपको उपलब्धि के रूप में आपको मिलता है। आप जान नहीं पाए तो इसका कोई क्या करेगा? जान नहीं पाएंगे तो भगवान ही साक्षात आपके सामने आ जाए और आपकी अन्न विनय करे और आपको इतना अनुदान दे डाले कि आपकी झोली भर डाले, तब भी आप खाली के खाली रह जाएंगे। मुझे वो याद आ जाता है तो वो हंसी का ही कि एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण था और एक था उनका बच्चा। मैं उसको उपलब्धि की, आज अनुदान और वरदान की बात कह रही हूँ आपसे। तो उन्होंने तपश्चर्या की और तपश्चर्या की तो भगवान शंकर और पार्वती गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो ये कितना बड़े साधक हैं और कितना इन्होंने अनुष्ठान किया है, इनको वरदान दे देना चाहिए। तो शंकर जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा पार्वती इस लायक नहीं हुए हैं कि इनको वरदान और अनुदान दिया जाना चाहिए। न क्यों? इन्होंने केवल हमारी शकल को देखा है और वो देखा है कि शंकर जी बेलपत्र और धतूरा खाते हैं और शंकर जी को पूजो, लेकिन शंकर जी जैसा इन्हें बनना नहीं चाहे। गायत्री माता के भक्त तो हैं लेकिन गायत्री माता के अनुरूप बन नहीं पाए कि गायत्री माता हमसे क्या चाहती हैं, हमसे क्या उपेक्षा है, जो हमसे अपेक्षा है। इस लायक बने कि नहीं बने? यदि आप बन गए तो बिल्कुल सही अर्थों में आप गायत्री माता के बेटे हैं, गुरु जी के आप शिष्य हैं और माता जी के आप बेटे हैं, सही रूप में हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये समझा जाएगा है तो बेचारे हैं, तो हमारी संतान लेकिन बेचारे हैं, विचारे ही रह गए। आपके अंदर वो स्फूर्णा और वो शक्ति और वो प्रेरणा नहीं आई तो कैसे माना जाए कि आपके अंदर वो भक्ति आ गई। तो अभी मैं उनकी बात सुना रही थी, शंकर जी की बात कह रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं दे ही दीजिए, दे ही दीजिए। पार्वती ने कहा शंकर जी ने कहा भाई दे देते हैं। तो सबसे आगे वो ब्राह्मण और बुढ़ा आया, नहीं ब्राह्मण ही आए, उन्होंने कहा कि दीजिए भगवान हमको वरदान। कहा कि ले लो वरदान, क्या चाहिए? कि हमको क्या चाहिए, लौकिक चाहिए पारलौकिक चाहिए? उन्होंने कहा लौकिक चाहिए पारलौकिक से हमें क्या मतलब और जन कल्याण से हमें क्या मतलब। उन्होंने कहा कि मांगना है तो वो चीज़ मांगिए जिसमें आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। उन्होंने कहा दूसरों से हमें क्या फायदा, हमें तो हमारे लिए चाहिए, हमको दीजिए, हमें क्या मतलब कि पड़ोसी हमारा दुखी है सुखी है या पीड़ा पतन दोनों हाथों से हमें पुकार रहा है और ये कह रहा है कि देखिए हमारी तरफ देखिए, हम कितने कष्ट में, आइए हमको शांति दीजिए। जब आपको प्रेरणा मिली है तो उन्होंने कहा नहीं हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमको तो अपनी ज़रूरत है। कहा अपनी ज़रूरत है, बोलो क्या चाहिए? उन्होंने कहा देखिए अब हमारे मरने का वक्त आ गया, हमको तब एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए? खुदगर्जी, जिसमें खुद का लाभ होता हो और बोलो होता हो दिखावटी। कैसा दिखावटी? उन्होंने कहा रूप यौवन चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई रूप यौवन चाहिए, आप रूप यौवन ले लीजिए। तो रूप यौवन मिल गया। अब आई दूसरे की बारी, बुढ़े की बारी आई। उन्होंने कहा आप भी मांग लीजिए एक। अब वो गुस्से में तमतमा रहा था बहुत बुरी तरह से। उन्होंने कहा कि इस बुढ़िया को क्या सूझी है, उन्होंने कहा कि रूप यौवन मांग बैठी है, कुछ और मांगती। उन्होंने कहा भाई तुम क्यों नाराज हो रहे हो, जब तुम ही मांगो। उन्होंने कहा हाँ मैं ये मांगता हूँ कि बुढ़िया सुअरिया बन जाए। उन्होंने कहा सुअरिया बन जाएगी। अब एक जो बच्चा था उसमें वो बहुत तिलमिला रहा था, रो रहा था। क्योंकि माँ से बच्चा बड़ा होता है और माँ की छत्र छाया में बढ़ता है। बाप पिता तो केवल साधन जुटाता है और माँ लालन पालन करती है और माँ संस्कार देती है, माँ बच्चे को संस्कार देती है। जितने भी हमारे संत हुए हैं और जो ऋषि हुए हैं, किसने पैदा किए? माँ ने बनाए। और दूसरा जो संस्कार मिला वो गुरु से मिला, गुरु ने उनको ढाला। माँ ने पैदा किए संस्कार दिया और गुरु ने वातावरण बनाया, उनमें प्रेरणा भरी, ऊँचे उठे। उन्होंने कहा कि इसको सूर्य बना दिया। उन्होंने कहा बच्चे तू क्यों रोता है? मैं ये रोता हूँ कि मेरी मम्मी तो ये सुअरिया बन गई, अब मेरा लालन पालन कैसे होगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मुझे प्यार कौन देगा, मुझे संभालेगा कौन? उन्होंने कहा बेटा एक तू भी मांग ले। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जैसी थी वैसे ही आप बना दीजिए। उन्होंने कहा जल छिड़क दिया, वैसे का वैसे ही बन गया, वैसी की वैसी ही बन गई। तीनों को वरदान भी मिला और तीनों खाली हाथ रह गए। विचार किया क्या आखिर खाली हाथ कैसे रह गए? खाली हाथ इसलिए रह गए कि उन्होंने केवल अपनी स्वार्थ के लिए मांगा था, अपने लिए मांगा था। कहीं परमार्थ के लिए मांगा होता, कहीं लोक मंगल के लिए मांगा होता तो वो भी उसी श्रेणी में आ गए होते जिस श्रेणी में हमारे भागीरथ आए हैं। भागीरथ ने तपस्या की थी ना, और उन्होंने उनको जो वरदान मिला सारा का सारा उन्होंने लोक मंगल में लगा दिया। तो आज भी भागीरथ की जय बोलते हैं, विश्वामित्र की जय बोलते हैं, परशुराम की जय बोलते हैं। क्यों? परशुराम ने तपस्या की थी और जो भी कुछ पाया उन्होंने सारे लोक मंगल में उन्होंने सारी जिंदगी को खपा दिया। कहते हैं कि 21 बार उन्होंने सर काटे थे। इसमें तो शक है, ऋषि किसी का सर नहीं काटता, लेकिन ऋषि एक धारा को प्रभाव को बदलता है। ऋषि उस चाल को बदलता है जिसमें भेड़ें चलती हैं, ऋषि उसमें सहयोग नहीं करता। ऋषि की चाल, ऋषि की दिशा अलग होती है और उसकी लाइन बिल्कुल अलग होती है। जैसे समुद्र में मछली जाती है और मछली सरसराती हुई अपनी जगह रास्ता बना लेती है, इसी तरीके से ऋषि अपना रास्ता बनाता है और वो सूरज और चाँद की तरीके से चमकता है जो सारे संसार को एक दिशा देता है, रोशनी देता है और प्रकाश देता है। तपश्चर्या हो तो इस श्रेणी की हो, तपश्चर्या से लाभ मिलता है। हमें जो मिलता है वही तो मैंने अभी आपसे निवेदन किया, आपको भी मिलेगा और मिल चुका है। आप अनुभव क्यों नहीं करते कि हमें मिल चुका है? आपने यही अनुभव किया है, रोना सारी जिंदगी रोना, लाओ ही लाओ, बीवी लाओ, बच्चे लाओ, पैसे लाओ। अरे इसी के लिए जिंदगी है क्या? इसके आगे भी है बेटे, इसके आगे है। और इसके आगे वो जिंदगी है कि सारा संसार आपको दुआ देता रहेगा, आपको आशीर्वाद देता रहेगा और आपको अपने कलेजे से लगाएगा। हमारी औलाद तो जाने हमारे लिए सेवा करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन हम जानते हैं कि एक साधक की, एक ऋषि की और एक संत की औलाद जो होती है वो कितना कर पाती है, वो हमारी आंखों से देखिए ना। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप अपने चिंतन से विचार कर रहे हैं, आप हमारे चिंतन में घुसिए ना, आप हमारी गहराई में घुसिए ना। आपने अभी गुरु जी का केवल वो वाही स्वरूप देखा है, कहीं गुरु जी का आपने ये विराट स्वरूप देखा होता तो फिर मैं समझती हूँ आप में से कोई भी कामना लेकर के नहीं आए होते। आप में से एक भी ये शब्द नहीं निकालते कि हमारे 3 लड़कियां 1 लड़का तो आप दे ही दीजिए। फिर आप ये कहते हैं कि भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि हमको बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, ये भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है। क्यों? बेटा सारी जिंदगी कमाई खा जाएगा और बुढ़ापे में बहुत ठोकर मारेगा तो चित्त गिर जाएगी, सारी नानी याद आ जाएगी कि हमने जिसके लिए सारी जिंदगी हमने कमाया था और जिसकी सारी जिंदगी हम खपा डाले यही हमारा भगवान था। इसको हमने भगवान समझा, भगवान को नंबर 2 पे समझा और इसको हमने भगवान 1 पे समझा और वो हमें ये लात लगा करके भगा रहा है। ये इंसान जो साधक है, सही साधक है, वो सही साधक वो लोक मंगल के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। हमने एक ही नारा लगाया, वो हमने ये कहा है कि आप ब्राह्मणोचित जीवन जिए, आपको इसमें आनंद आएगा। ब्राह्मण सारे संसार को देता है, लेता नहीं है, वो देता है। क्या देता है? वो ज्ञान देता है, वो सेवाएं देता है, वो भावनाएं देता है, वो निष्ठा देता है और वो श्रद्धा देता है, वो देता है। आप ब्राह्मण होकर के रहिए। आप अभी ब्राह्मण नहीं हुए हैं। कौन हुए? मैं क्या कहूँ कि आप कौन हुए हैं, मैं ये क्यों कहूँ, मेरे तो आप बच्चे हैं, आप हमारे कुटुम्बी हैं, तो आपकी बेइज्जती करना हमारा मन नहीं है। हमारा मन तो ये है कि जिस जगह हैं आप, इससे आप ऊंचे तो उठिए, जरा ऊंचे उठ के तो देखिए। आप भक्त की श्रेणी में तो आइए, भक्त की श्रेणी में नहीं आए, अभी तो बगुला भक्त की श्रेणी में आए। बगुला भक्त मालूम है क्या होता है? किनारे पे बैठा रहता है और ध्यान लगाया रहता है और जहाँ मछली पे पड़ी नजर उसने उठाया गपक। बगुला भक्त इसे कहते हैं और भक्त उसे कहते हैं कि उसका ध्यान केवल अपनी उपासना पर और अपने आत्म कल्याण पर लगा रहता है और ये लगा रहता है कि हमारा आत्मशोधन किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम जिस निकृष्ट कोटि में हैं इससे हम ऊंचे उठें। भगवान हमको वो शक्ति दीजिए, यदि दे ही रहे हैं तो हमको शक्ति दीजिए। चल तो हम अपने आप लेंगे, लेकिन बगैर आपकी शक्ति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमको प्रेरणा दीजिए, फिर देखिए हम चलते हैं कि नहीं चलते। गुरुजी पहले एक गाने की लाइन गाया करते थे। मैंने ये कह दिया एक बार, मैंने कहा साहब इस गाने की आपको मालूम है? काहे का है? हमें क्या मालूम है कि काहे का होगा, किसी का होगा, हमें क्या मतलब, हम तो हर उसको अध्यात्म से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे कि फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बना फिर देख मेरी चाल, कि मैं ठुमकता हूँ कि नहीं ठुमकता। भगवान मुझे शक्ति दे और फिर देख मेरी चाल की करामात। आपने देखा है ना? अभी नहीं देखा। अभी गुरुजी का वो विराट रूप देखिए जो कालभूषण ने भगवान राम के पेट में जाकर के देखा था और भगवान कृष्ण की छवि में और मुँह में यशोदा ने विराट रूप के दर्शन किए थे। और जब अर्जुन को समझा रहे थे और भगवान कृष्ण ने ये कहा कि देख तू अभी ये देख रहा है ना, मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे तो इनको मर जाने दे, ये मरने ही लायक है, ये मरने ही लायक है, ये कौरवों को परास्त होना ही चाहिए और मरने ही चाहिए। कौन से कौरव? वो कौरव नहीं जो इंसान के रूप में, जो विकृतियों के रूप में, उन कौरवों को मरना ही चाहिए। और जो अंतःकरण में जो कौरव विचर रहे हैं उन कौरवों का तो मनमान ही नहीं लगाते। अब वो कौरव थे, वो तो थे 100 और हमारे जो भीतर हैं बड़े पड़े हैं, अरे वो तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। उन कौरवों को मार मार। उन्होंने कहा मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मुझ में शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा जनके खड़ा हो जा। उन्होंने एक ही शब्द कहा और उसकी शक्ति को ललकारा, शक्ति को ललकारा। उन्होंने कहा कि मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं महाभारत के संग्राम में अकेला लड़ूं। उन्होंने कहा तुझसे कहता कौन है कि अकेला है? अकेला नहीं है, मैं जो हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे रथ को चलाने वाला, मैं हूँ। और धनुष तू उठा, बाण तू उठा, लड़ा तो यही पड़ेगा और शक्ति हमारी तेरे साथ चलेगी। और सारे महाभारत में विजयी हो गया। कौन हो गया? अर्जुन हो गया, जो कायर था और ये कहता था कि मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, मैं नहीं जा सकता गुरुजी, मैं क्या करूं, मेरी तो औरत बीमार है और मेरा बच्चा तो बेलाइन चलता है और मुझ में सामर्थ्य नहीं है, बताइए अब मैं कैसे जा सकता हूं, मैं घर से बाहर में कैसे शकल दिखा सकता हूं। बेटा जनसंपर्क के लिए जाओगे क्या? नहीं गुरुजी हम नहीं जाएंगे। लोक कल्याण का काम करोगे क्या? नहीं। अपनी संकीर्णता को त्यागोगे क्या? नहीं अपनी संकीर्णता को हम नहीं त्यागेंगे गुरुजी। तो बेटा बन जा फिर तू इस जीवन में कभी कुछ नहीं बन सकता, खाली हाथ का खाली हाथ रहेगा। पैसे कमा ले, दंद फंद से तो कमा ले तू, लेकिन पैसा साथ जाएगा? पैसा साथ नहीं जाएगा। वो पैसा तेरा अच्छे किसी काम में लगा रहेगा। जैसे गांधी जी थे और जमनालाल बजाज थे, गांधी जी की शक्ति थी और जमनालाल बजाज की साधन था, उसका साधन था और उनकी शक्ति थी, दोनों मिल गई। अंधे और पंख जिस समय मिल जाते हैं तो अंधा, अंधे का पाँव काम करता है और पंख की दिशा काम करती है। उन्होंने कहा कि यहाँ चल, इधर को लकड़ी चला, इधर को रास्ता है, इधर को मोड़, इधर को चल, वो उधर को चलता है। गुरु शिष्य का वास्तव में अंधे और पंख की जोड़ी है। और जो श्रद्धा का है, श्रद्धा से जो जुड़ा रहा है उसको अनेक रूपों में उसको मिलता रहा है। भक्तों की श्रेणी में आपको कहाँ तक गिनाऊं और उनकी कहाँ तक गिनाऊं जिन्होंने तप भी किया है और वरदान भी पाया है और फिर सब स्वाहा हो गए, जिसमें रावण भी शामिल है, जिसमें भस्मासुर भी शामिल है, जिन्होंने तपस्या पा करके कितना वरदान पाया था और क्या से क्या वो बने और क्या से क्या वो मिट गए। हाँ मिटने में भी देर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि जो किया है वो नम्र बनने के लिए नहीं किया, वो लोक उपयोगी के लिए नहीं किया, वो लोक मंगल के लिए नहीं किया, वो किया है अपनी अहंकार को बढ़ाने के लिए। तो अहंकार बढ़ा ले बेटे, पोल खुल जाएगी, फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। नम्र बनिए, उदार बनिए और ये संसार रूपी जो भगवान है, जो मानव के रूप में भगवान है, इसको आप पहचानिए तो आप पाएंगे कि ये भगवान है। आप कॉन्वर्ट हैं, आप हमारी निगाह से देखिए कि आप सब भगवान के स्वरूप बैठे हैं, सब भगवान के स्वरूप बैठे हैं। हाँ बेटे सब भगवान का स्वरूप बैठे हैं, लेकिन आपने अपने भगवान को भी सुला रखा है, अभी जगाया नहीं है। कुंभकर्ण की नींद खुद सो रहे हैं और भगवान की दुर्गति कर रहे हैं। कुंभकर्ण की नींद आप यदि न सोए और जाग जाए तो फिर देखिए कि आपका भगवान कैसा कैसा आपका सहयोग देता है। मीरा की तरीके से, मीरा के साथ में भगवान कृष्ण नाचते थे और उसके लिए जहर का प्याला गया था और कहते हैं अमृत का प्याला हो गया। जहर किसने पिया? कृष्ण पिएगा जहर, हाँ कृष्ण ही पिएगा जहर। और मीरा क्या पिएगी? मीरा अमृत पिएगी। क्यों? उसकी जो श्रद्धा है ना भगवान के प्रति, जिस दिन उसने समर्पण किया उस दिन से लेकर और जब तक उसका अंत हुआ तब तक एक ही था उसकी जबान पर, कृष्ण का गुणगान करने के लिए। मीरा दर दर भटकती रही, कहाँ से कहाँ मीरा घूमती रही। कबीर, रैदास, सूरदास की लकड़ी लेकर के और आगे आगे भगवान चलते थे। आपकी लकड़ी लेकर के चलिए गायत्री माता करिए, क्यों नहीं चली? इसलिए नहीं चली कि जितनी श्रद्धा होनी चाहिए उस श्रद्धा का अभाव पाया गया। डाल और पात हम घूमते रहे, काका घूमते रहे। हनुमान जी पे चलिए, शायद कुछ हनुमान जी से ही मिल जाए। शंकर जी पे चलिए, कुछ शंकर जी से ही मिल जाए। संतोषी माता से ही मिल जाए, चंडी माता से ही मिल जाए। चलिए सबके दर दर पल्ला फैलाइए, शायद इससे मिल जाए। बेटे ये क्या हुआ? बुरा मत मानिएगा, ये हुई वेश्यावृत्ति। ये शब्दती होती है। यहाँ से भी मिल जाए, वहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, और तुम ए क्या होती है? ये संकीर्णता कैसे आई, खुदगर्जी कैसे आई? एक सती का उदाहरण करिए। और सती का कौन सा होता है? सती का वो होता है कि जिस दिन से अपने पति के घर में आती है वो हर परिस्थिति में उसका साथ देती हुई चली जाती है। वो कहती है मैं तो समर्पित हूँ ना इसके लिए, इसके परिवार के लिए। जो भी परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों से या तो मैं तालमेल बैठाऊंगी, मैं योगी होकर के जीऊँगी, योगी होकर के जीती है बेटे। और जब न करे भगवान आगा पीछा हो जाए तो सारी दौलत की स्वामी हो जाती है पत्नी, और वेश्या वेश्या हो जाएगी। ये सारी जिंदगी सेवा की थी, ठोकर मार देगी तू, ठोकर मार देगी। क्यों? कि उसकी उस पत्नी में और वेश्या में अंतर है, उसकी भावना है, उसकी श्रद्धा है, उसकी निष्ठा है अपने पति के प्रति, वो भगवान का स्वरूप मानती है, और वो केवल पैसा मानती है। अंतर है कि नहीं? अंतर है। इसी तरीके से भगवान में भक्त में इतनी ही दूरी है, इतनी ही दूरी है। जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है तो सारे संसार का स्वामी वो जीवात्मा हो जाते हैं, और भगवान उसके साथ साथ चलता है। इनका समर्थ गुरु रामदास ने जो अनुदान और वरदान शिवाजी को दिया था, और किसी को क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया गया कि केवल उसके अंदर वो निष्ठा वो श्रद्धा पाई गई, जबकि उन्होंने ये कहा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये सफल है कि असफल है, बनावटी है कि वास्तविकता है। वास्तविकता देख ली गई तो अक्षय कटारी दे दी गई, ले जा बेटा, इसी से विजय होगा, इसी से विजय होगा। और विवेकानंद को वो शक्ति मिल गई जो सारे संसार में अकेले ने सारा रामकिशन मिशन को फैला दिया। वो खुद भी चमक गया, उनके गुरु भी चमक गए। कैसे? उसकी निष्ठा थी ना, श्रद्धा थी, उसने पा लिया। हर चीज श्रद्धा के बल पर, भक्ति श्रद्धा के बल पर ही खरीदी जाती, पैसों से नहीं खरीदी जाती बेटे, बनावटीपन से नहीं खरीदी जाएगी, वो श्रद्धा से खरीदी जाएगी। यदि श्रद्धा है आपके अंदर तो सबरी भी है आप, तभी भगवान राम आपके यहाँ आएंगे। और आप जैसे रामकिशन परमहंस की काली आकर के उनको खिलाती थी, और काली को वो स्वयं खिलाते थे। वो निष्ठा जाने कहाँ चली गई। तो सब उपासना में हमें आनंद ही नहीं आता, अरे आपको आएगा कैसे? मन तो जाने जाने बेलगाम का घोड़ा जाने कहाँ फेंकता है, जाने किधर को भटकाते रहते उसको। माला हाथ तो लगाए माला पे और दिमाग लगाए जाने किधर को किधर जा रहा है। कहीं व्यापार में जा रहा है, कहीं सर्विस में जा रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े में जा रहा है, कहीं बदले की भावना में जा रहा है, जाने कहाँ जा रहा है। हम कहते हैं उन भावनाओं को त्याग दो, आप समर्पण तो करिए, आप समर्पित करिए अपने को, फिर देखिए आपको मिलता है कि नहीं। आपने समर्पण किया है? नहीं, आपने नहीं किया। माता जी कैसे नहीं किया? किया है हमने, तो अंशदान देते हैं, देखिए दिया है कि नहीं दिया है। हाँ बेटे, सिर माथे पर है। यदि ये अंशदान आप नहीं देते तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ से बनती है, और जो यहाँ के क्रियाकलाप है वो कैसे चलते हैं, और यहाँ के जो इतने कार्यकर्ता हैं, कितने भावराशी कार्यकर्ता हैं जो अपनी सर्विस छोड़ करके आए। आप उनकी निष्ठाओं को तो देखिए, आप उनकी निष्ठाओं को देखिए, आप उनकी श्रद्धाओं को देखिए। क्योंकि साहब की आ कैसे गए, फिर आ कैसे गए? आपको मालूम है कैसे आ गए? ये बेटे अपने आप नहीं आए, एक भी अपने आप नहीं आया, सही मानना एक भी अपने आप नहीं आया। ये खींच खींच के बुलाए गए, जो गोताखोर होता है ना, समुद्र में गोता लगा के मन माणिक पाता है। हमने इनको मन माणिकों की माला बना के पिरो रखा है। गोताखोर हैं, बनाते हैं, इनको बनाया है तब आए हैं। हाँ, अंशदान दे दिया, मुबारक के बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कम से कम आपके अंदर ये उदारता तो आई, आपके अंदर वो भगवान की शक्ति ने वो काम तो किया कि हमको अपने तय नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, बल्कि ये मिशन भी हमारा एक पिता है, मिशन भी हमारा एक भगवान है। भगवान पिता न माने तो एक बेटा ही समझ लो, चलो चार बेटे होते तो आप करते कि नहीं करते। चलिए एक बेटा ही आपने समझा, ये बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं तो एक और बात कह रही थी, मैं एक बात वो कह रही थी, वो कह रही थी मैं श्रद्धा की, श्रद्धा, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप हीरे के हैं, मोती के हैं, हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। और फिर देखिए हम आपको बनाते कि नहीं, आप जरा समर्पित तो करिए, हमको कह दीजिए कि हम वो कांच का टुकड़ा है जो देखने में हीरा जैसा लगता है, चमचमाता है, नकली हीरा। एक दिल्ली में एक दुकान है, तो एक लड़का लाया, उन्होंने कहा माता जी आप अपनी पोती की शादी करेंगे, हाँ बेटा कर तो रहे, तो मैं आप एक हीरा की चीज़ दिखाऊं क्या, क्या है जरा देख तो लूँ क्या है। तो वह एक लाया, मैंने चुप से उसे कान पूछा, मैंने क्या है रे ये, देना तो मुझे कुछ है नहीं, न दिया है न हमने लिया है, न हम देंगे न लेंगे, जब वही नहीं रखा तो हमें हीरा पन्ना उसे क्या करना। पर वो विनोद की बात ही जो थी सस्तेपन की, तो उसने एक हार दिखाया मुझे, बड़ा जड़ाऊ, बहुत बढ़िया देखने में लगा, कितने का है जरा बताना। उन्होंने कहा माता जी ये 400 का है। बेटे 400 में तो एक नग भी नहीं मिलता है हीरे का, तू कहाँ से उठा लाया इसको, चल। तो और किसी को बहकाना, माता जी को बहकाने आया है, माता जी को बहकाने आया, उसने सही बात बता दी, 400 का है। मैं तो ये कह रही हूँ जितने भी आप बैठे हैं जी कितने के, 400 के, 400 के। पर अब सही हीरा बनने के लिए आप तैयार हो जाइए, फिर देखिए आपकी बोली कितने की लगेगी, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की लगेगी, उतनी लगेगी जितनी गांधी जी के सर की लगी थी। और ये कहा था कि गांधी जी का सर हमें मिल जाए तो अरबों खरबों नौछावर करना इसके ऊपर, अरबों खरबों नौछावर कर देंगे इस एक सर के लिए। फिर आप तो इतने बैठे, या हीरा बनने के लिए हो तो जाइए तैयार, फिर देखिए आपके अंदर से कैसी कैसी सतरंगी किरणें निकालते हैं, फिर हम आपको कैसी बढ़िया मूर्ति के रूप में और संत के रूप में हम खड़ा करते हैं आपको, जो सारे संसार आपको देखता रह जाए और पूजता रह जाए। पर हम अपने बच्चों को पीछे रखते हैं, कहीं अहंकार ना आ जाए, पूजवा के देख लिया, हमने देख लिया, बस पूजना ही कि नहीं, कहेंगे कि कोई पूज रहा, देना हो तो श्रद्धा जरूर देना, उसकी निष्ठा को आगे बढ़ाना, लेकिन पूजना मत किसी को, पूजा अब गया। हमारा तो बेचारा लाख का फिर खाक में मिल जाता है, हम क्या करें तुम्हारी पूजा का, हम नहीं चाहिए ऐसी पूजा, हमें तो वो पूजा चाहिए जिससे आगे आप भी बढ़िए और दूसरों को बढ़ाइए, आप बढ़िए दूसरों को बढ़ाइए। तो साहब तो हम कैसे बढ़ेंगे, वही तो मैं अभी कह रही थी, श्रद्धा के बल पर और लोक मानस के सहयोग के रूप में आप आगे आइए, आप आगे आइए। देखिए जितने भी संत हुए, कबीरदास ने, कबीर ने यही उपासना की है, उपासना की भगवान के लिए, लेकिन सारी की सारी जिंदगी लोक मंगल में उन्होंने लगा दी। जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक वो भगवान की उपासना ही करते रहे, और भगवान की जो सही रूप में उपासना करता है वो सही रूप में पा लेता है। हम अपने मल और विक्षेप को हटाने के लिए तैयार नहीं होते, उन मलिनताओं को त्यागने के लिए नहीं होते तैयार, उन मोह और लोभ की जंजीरों से हम इस कदर जकड़े रहते हैं कि उनको खोल नहीं पाते। जरा भी एक झटका दे दें उसको तो अलग जाके गिर जाए। जो हम जिन जंजीरों में जकड़े रहते हैं, आप कृपा करके उन जंजीरों से निकलिए आप, और फिर पाइए आप पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा बेटे, बहुत बड़ा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो आप नहीं करेंगे तब भी ये परिवर्तन तो होने ही वाला है, ये क्रांति तो हर हालत में होनी है, हर समय में। भगवान ने जन्म लिया है, संत के रूप में, शरीर के रूप में वो शक्तियाँ आती रही हैं, वो आती रहेंगी, वो आ चुकी हैं, और जब जब समय पड़ेगा वो शक्तियाँ आती रहेंगी इंसान के रूप में, और इंसान के रूप में वो परिवर्तन होता रहेगा जो आदिकाल से होता चला आया। भगवान राम के समय से लेके और कृष्ण के समय से लेके, गांधी के समय से लेके, बुद्ध के समय से लेके, और अभी उस सतयुग की वापसी आ रही है, इसमें कलयुग। हाँ बेटे घोर कलयुग है, ऐसा कलयुग है, बस आपसे क्या कहें, आपको ये भयावह दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सारे संसार का कैसी चीतकारें मच रही हैं, इस विवेक का क्या ठिकाना है, इस विज्ञान का क्या ठिकाना है, जो विज्ञान सर्वनाश पर तुला हुआ है, सर्वनाश पर तुला हुआ है। क्या इसे कोई शांति देने वाला है, कोई अकल देने वाला है? कि ये सारी की सारी सारा संसार हमारा विनाश की कगार में चलता हुआ चला रहा है। विध्वंसकारी ये विज्ञान है ना, अकल है ना। ये अकल, हाँ बेटे, अकल किस काम की है? किसी काम की नहीं है ये अकल। ये अकल तो बस अब हम आपसे क्या कहें, लेकिन यदि कहीं ये श्रद्धा उभरे आवे तब और भावनाएं उभरे आवे तब तो बेटे हम उनको वो शक्ति दें कि सारा संसार शांति पा सके, संतोष पा सके और प्रेरणा पा सके। उसी के लिए हम आपसे समय समय पर आपको झकझोरते रहे हैं और तो आज भी आपको झकझोर रहे हैं। और जब कभी भी आप आएंगे हमेशा आपसे एक ही प्रार्थना हम करते रहेंगे कि बेटे एक हमारी आग को ले जाइए। वो कौन सी हमारी आग है? वो हमारी है जनमानस की आग। जनमानस की आग है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती है। वही मैं कह रही थी कि गुरुजी के अंतरंग में घुसिए तो आपको एक ऐसी ज्वाला धधकती हुई नजर आएगी आपको कि वो ज्वाला ये कह रही है कि अरे बेटे घर में से निकल के आओ, आप अभी भी आप नहीं देख पा रहे। तो कोई समय आएगा जब आप हाथ मलते हुए रह जाएंगे और ये कहेंगे कि एक संत इस दुनिया में आया था और हमको दिशा दिखाई थी, ये कहा था कि इस रास्ते पर चलो, और हमने गवारा नहीं किया, हम उठने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर आप सर धुनते रहेंगे, फिर आप अन्य सब की झोली में जाते रहेंगे, जहाँ से कहीं से मिल जाए क्या मिल जाएगा। कई लड़के आते हैं, हम तो वहाँ गए थे, ऐसा चमत्कार देखा हमने उनका। क्या चमत्कार देखा? उन्होंने झट बालों में से बालू निकाल दिया। अच्छा, और क्या किया उन्होंने? ये किया कि हाथ में लौंग निकाल दी मुट्ठी में। अच्छा, ये तो बड़ा भारी चमत्कार है। और पानी में चलना सिखा दिया। और क्या किया? आहा, पालती लगाई और ऐसे उड़े चले गए उसमें के बाद। अच्छा, ये सिद्धियां, ये चमत्कार। मैं ये वो चमत्कार को धिक्कार के योग्य कहूंगी। वो चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं है, ये हाथों का खेल है। चाहे बालू निकाल दो और चाहे लौंग निकाल दो, क्या हुआ इससे? लौंग निकालने से हम कहते सिद्धि सही। ये कौन सी सिद्धि है जिससे कि इंसान का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ? ये कौन सी उपासना है? ये कौन सा तप है? तप वो है जो कि व्यक्ति को बनना सिखाता है। अंगुलीमाल गए थे भगवान बुद्ध के पास, काय के लिए गए थे? इसके लिए। लेकिन जब उन्होंने सही रूप उनका देखा, उन्होंने कहा कि देख, जिस रास्ते पर तू चल रहा है ना, वो रास्ता धिक्कारने योग्य है, और जो हम बता रहे हैं रास्ता, वो सही रास्ता है। अंगुलीमाल संत हो गए। और जिस युग में जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप व्यक्ति नहीं उठता है तो फिर वो कभी उठ नहीं सकता। वो कुछ कर सकेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकेगा। आज युग की मांग है, वो मांग है जिसके लिए आपसे कहा जाता है, समय समय पर कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई 1 से 5 बनिए, 5 से 25 बनिए, आप प्रज्ञा मंडल बनाइए, आप गोष्ठियाँ करिए, आप सत्संग चलाइए, आप दीप यज्ञ किए। इसके पीछे क्या राज छुपा है मालूम है आपको? आपको तो केवल क्रियाकलाप ही मालूम है कि हमसे ये कह दिया गया है 1 से 5 बनाओ, 5 से 25 बनाओ संगठन। हाँ बेटा, संगठन में इतनी शक्ति है और संगठन तभी बन पाता है जब व्यक्ति के अंदर से वो स्फूर्णा पैदा होती है और वो ललक होती है कि हमको कुछ कर गुजरना है। जो कर गुजरना है वो कराता है, वो कराता है। सारी तो सारी उसकी आस्थाएं कराती हैं। देखिए साहब, हम तो जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। सुनेगा कैसे? आपके अंदर वो शक्ति है कि कोई सुने? मरे मराए से तो हैं, बुझे बुझाए से तो हैं, बीमारी के मारे से तो हैं, टीबी के मारे से तो हैं आप। नहीं साहब, टीबी कहाँ है हमको? देखिए, हम तो बिल्कुल हट्टे कट्टे बैठे, हट्टे कट्टे देखने में बैठे आप। लेकिन आपके चेहरे से देखा जाए तो आपके अंदर वो ओज नहीं है जो ओज होना चाहिए। नहीं है तो आप बनाइए। हम कब कहते माँ के पेट से पैदा ऐसे नहीं होते कि सब शक्ति लेके चले आते हैं, पीछे बनते हैं। आप अब बनिए ना, और समय है, आप आगे बढ़िए। आप अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाइए, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाइए। नहीं साहब, हम पत्नी आगे बढ़ाई तो हमारी नाक जो कट जाएगी, ना कट जाते नाक को, एक दिन कटनी है वो तो कटा जाए तो क्या हार जाए, एक दिन कटा सो कट जाए, यहीं रख जाना नाक को, काट करके शांतिकुंज में फेंक जाना। इनको आगे बढ़ाइए। आप आगे तो चलिए, आप आगे चलना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते। जिस दिन आपके मन में ये भावना पैदा होगी, फिर आप देखिए आप आगे आगे चलते हैं कि नहीं, और सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। सब सुनेंगे, आपके साथ हमें है ना, आपको विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारे साथ गुरु जी हैं, माता जी हैं, गायत्री माता है, और एक कितनी कितनी फौज तो आपके साथ खड़ी है, फिर देखिए आपके अंदर शक्ति आती है कि नहीं आती है। गुरु जी के साथ कौन था बेटे? परोक्ष था, प्रत्यक्ष कोई नहीं था, परोक्ष था। वो उनकी श्रद्धा थी और उनकी निष्ठा थी, वो थी कोई इतनी शक्ति उनके अंदर भर दी कि मैं तो ये समझती हूँ कि सारा विश्व एक तरफ, वो एक तरफ है। शक्ति है कि नहीं? बिल्कुल शक्ति है। शक्ति कब आती है? जब आती है जब हम उठने को तैयार होते हैं। हम उठने को तैयार नहीं होते, गिरने को होते हैं तो 10 धक्का देने वाले हो जाएंगे। उठने के लिए तैयार होंगे तो उठाने के लिए भी हमको 1000 हाथों से उठाया जाएगा, 1000 हाथों से उठाया जाएगा। सीरी फरियाद का आपने सुना होगा कि उसका जो विवाह करना चाहती थी सीरी फरियाद से, तो फरियाद के पिता ने ये कहा कि इसके लिए शादी की जाएगी, इसके लिए हम शादी नहीं करें। तो उन्होंने कहा अब जो किसी तरीके से बला नहीं कटेगी, एक तरीके से कटेगी। उन्होंने कहा कि देख भाई, तू पहाड़ को काट करके और नहर निकाला तो हम शादी करेंगे। पहले मन ने कहा कि भाई शक्ति नहीं हमारे अंदर तो इतना बड़ा काम कैसे कर लेंगे। फिर उसकी शक्ति को झकझोरा अंतरात्मा ने कहा शक्ति कैसे नहीं है, अभी निकालते हैं। और बातों में वो नहर निकालना है। अकेला जूझा, अकेला कर लेगा? नहीं बेटी, अकेला नहीं करता व्यक्ति, उसके साथ में जो समूह होता है, संगठन की इतनी बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जब पुल पर से फौज निकलती है तो उनसे पहले से कह दिया जाता है कि देखिए जिस कदर आप रोड पर चलते थे ऐसा मत चलना, नहीं तो ये पुल टूट जाएगा। बिखरे हुए चलना, कदम चाल लेफ्ट राइट मत करते चलना। समझ में शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है संगठन में, इतनी बड़ी शक्ति है। जो कोई भी आता है आपके संगठन की ओर देखता हुआ चला जाता है, सबके मुंह में पानी आता रहता है उनका। हम खड़े हो जाएं। यहाँ चुनाव हुआ, उन्होंने कहा बस कौन जीतेगा, जो शांतिकुंज जैसे जिताएगा वो जीतेगा। उन्होंने कहा ये धर्म संकट अच्छा आ गया जी। क्या हुआ? मैंने कहा जो जीतेगा सो ये हो जाएगा, जो हारेगा सो वो हो जाएगा। इनकी जी क्या करें, दोनों आए। कहा हे भगवान तू दोनों ही की लाज रखना। और दोनों ही गए जीत। अब यहाँ लगा मैं चक्कर। उन्होंने कहा कौन जीता? माता जी ने जिताया, गुरु जी ने जिताया, शांतिकुंज ने जिताया, किसने जिताया? बेटे मैं संगठन की बात को बता रही हूँ। संगठन में बड़ी भारी शक्ति है। जब आप संगठित हो जाएंगे और जिधर को आप निकलेंगे, अभी हरिद्वार में जब आप निकलते हैं तो सारे के सारे ये देखते हैं जी कौन आ गए, ये सेना कहाँ की आ गई। मैं कहा ये सेना उनकी है, किनकी? शांतिकुंज वालों की, गुरु जी की है ये सेना। ये कौन सी सेना? जहाँ अन्य जगह तो दिखाई नहीं पड़ते, यहाँ हर समय दिखाई पड़ते। क्यों? यहाँ का वातावरण है ना, ये वातावरण है, यह संगठित है, यह हमारे हैं और हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। हम कैसे आपको बताएं बेटे, जो आपकी दुख दर्द और पीड़ा होती है, किस कदर आपके ऊपर छाए रहते हैं, हमारी अंतरात्मा जानती है। ये बात अलग है कि हम आपकी मदद कर पाए कि नहीं कर पाए, ये तो आपका प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध भोग होगा। कौन सा? कि अभिमन्यु मारा गया तब सबोद्रा रोती हुई आई और उसने ये कहा कि तू मेरा भाई है और अर्जुन का तू मित्र है, अर्जुन का मित्र और मेरा भाई, और मेरा लड़का मारा गया और तू देखता रहा, ऐसे कैसे हो गया? तो भगवान कृष्ण ने ये कहा तो बहन, भगवान तो जरूर हो और करना चाहता तो कर भी सकता था, लेकिन कर्म बंधन में जो भोग और प्रारब्ध जन्य जो भोग है वो तो हर इंसान को भोगना चाहिए। तुझे भी भोगना चाहिए और मुझे भी भोगना चाहिए। तो या तो बच्चा भुगतेगा या बाप भुगतेगा। कर्जे को अदा कौन करेगा? कर्जे को अदा करेगा या तो बेटा करेगा या बाप करेगा। या तो शिष्य स्वयं ही भोगे और स्वयं भोगने में सक्षम नहीं है और गुरु की उदारता है, क्योंकि उसका वो बच्चा है, उसका वो शिष्य है, वो आत्म बलि नहीं देता बल्कि उसके जो दुख कष्ट कष्टाइयाँ होती हैं उसे भी अपने ऊपर लेता है। भोगेगा, भोगना चाहिए। हम भी भोगने के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। कोई हमें भी भगवान किसी के बदले में हमें कोई ऐसी बीमारी देता है तो हम सहज उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जो भी आपके कष्ट कठिनाई और जो पीड़ा है, हर संभव ये प्रयास करेंगे कि आप उस दलदल में से निकलें। और किसी तरीके से मान लीजिए आप नहीं निकल पाए तो हम आपको शक्ति देते रहेंगे कि आप उन परिस्थितियों से या तो तालमेल बैठा लें या कुचल के फेंक दें उनको। वो शक्ति देंगे, आपको शक्ति के रूप में देंगे। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आप सरकार से लेते हैं, नहीं सरकार क्या देंगी हमको, हम देंगे, आप क्या देंगे? हमने कहा ऐसी प्रखर बुद्धि के व्यक्ति देंगे, हम वो संस्कारवान देंगे, वो परिष्कृत व्यक्ति देंगे जो कि जिधर जाए उधर ही माहौल ऐसा बना के रख दें। सरकार में भेज दें तो बस वहाँ के वहीं हमारे व्यक्ति दिखा दें कि ये होता है, हम तो वो देंगे आपको। तो हम ये बनाना चाहते हैं कि आप बनिए, आप बनिए। यहाँ से आप बन के जाइए। यहाँ आप अपनी संकीर्णता को और क्षुद्रता को आप छोड़ करके जाइए और सारे संसार में जो फैली हुई विकृतियाँ हैं इनके लिए हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। पैसा नहीं मांगने आए। क्या मांगने आए? हम मांगने आए आपका समय, आपका श्रम, आपकी श्रद्धाएं, आपकी भावनाएं। हम वो मांगने के लिए आए, पैसा मांगने के लिए मत कहना, ये मत कहना कि हम कोई भिखारी है। नहीं बेटा, भिखारी नहीं है तो हम पल्ला फैला रहे। नहीं, पल्ला तुम्हारे सामने फैलाएंगे, भगवान के सामने नहीं फैलाएंगे। भगवान के सामने फैलाएंगे जितने सारा का सारा हमको सहयोग दिया है वही भगवान आपके अंदर आएगा, वो कराएगा, वो कराएगा। आपसे क्यों कहेंगे? आपसे नहीं कहेंगे। आपसे एक ही बात हम कहेंगे, जो पतन और पीड़ा आपको पुकार रहा है उसके लिए आप खड़े हो जाइए, उसके लिए आप आगे बढ़िए। आपको नहीं मालूम है कि कितनी कन्याएं हमारी जला दी गई हैं, मर जाती हैं, मार दी जाती हैं, कुंवारी रह जाती हैं। क्या चीत्कार कानों में नहीं पड़ती है? पढ़नी चाहिए। जो अन्य अन्य विकृतियां हैं जो कि हमारे समाज में कोढ़ है, वो कोढ़ पुकार रहा है, ये कह रहा है कोई मल्लम पट्टी लगाओ भाई, कोई मल्लम लगाओ, कोई पट्टी बांधो। आपकी जरूरत है और आपको होना चाहिए। काम तो होगा ही, लेकिन रीछ और बानरों को जैसा श्रेय मिला था, हम चाहते हैं आपको श्रेय मिल जाए हनुमान की तरीके से। पर मिलेगा तभी। हनुमान क्या थे? हनुमान नौकर थे। और क्या थे? बंदर थे। अच्छा, हनुमान तो बड़े शक्तिशाली थे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े शक्तिशाली थे। कब थे शक्तिशाली? तब थे जब भगवान राम से जुड़ गए। भगवान राम से जुड़ गए तो भगवान ने वो शक्ति उनके अंदर भर दी कि सारी लंका को जलाए आए और सुरसा के मुंह में भी होकर निकले आए। हाँ बेटे, ये समाज रूपी जो सुरसा है और जो हमारे लोभ मोह रूपी जो सुरसा है, जो बिल्कुल मुंह फाड़े खड़ी है, ये कहती हमारे लिए, बस हमारे लिए, हमसे आगे और किसी का नहीं है। उसे आप खड़े हो जाएगा। नहीं, हम केवल आपके नहीं हैं, बीवी के नहीं हैं, बच्चों के नहीं हैं, हैं किसी मायने में है, फर्ज और कर्तव्य के मायने में है। बाकी के हमको जकड़ नहीं सकता कोई। जकड़ेगी जो जंजीर हमको जकड़ेगी उसको हम तोड़ के फेंक देंगे, तोड़ के फेंक दे। आप तोड़ के फेंकिए उन जंजीरों को कृपा करके, और आप उन श्रद्धा और निष्ठा की जंजीरों में बंधिए जिससे आपका भी कल्याण और सारे संसार का जिसमें कल्याण नियत है उस कार्य के लिए आप आइए। आज विदाई देते हुए मुझे अपने मन में तो लग रहा है कि मेरे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, मैं इनसे कुछ पूछ भी नहीं सकी, आए भी तो बेचारों को लाइन में खड़ा कर दिया, बेटा कह जा तू अपनी बात। ये मन समझना कि माताजी ने कुछ पूछा नहीं था हमसे, बेटे हम जाने अनजाने आपके जब आप सोते रहे हैं और हम जगते रहे हैं, प्रत्येक के सर पर हम हाथ फिराते रहे और ये वादा करते रहे कि हम आपके साथ हैं, चाहे आपने कहा है चाहे आपने नहीं कहा है, हमने सब आपको पढ़ लिया है क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। आज आप विदा हो रहे हैं, भगवान करे आप जहाँ कहीं भी रहें, भगवान आपकी रक्षा करता रहे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम भी आपकी रक्षा करेंगे, जहाँ कहीं भी रहें आप हमारे बन के रहिए, हम आपके बन के रहें, आप हमारे बन के रहिए। आपको गुरु जी की हमारी शक्ति मिले, भक्ति मिले, आप यहाँ से भक्ति लेकर के जाना। आशीर्वाद में केवल हम अपनी हृदय की आग की चिंगारी हम आपको समर्पित करते हैं, तो आपकी सबकी झोली में उस चिंगारी को डालते हैं, उस चिंगारी को लेकर के जाइए और आप उस चिंगारी को लगा तो दीजिए जो दावा नल के रूप में बहती हुई दिखाई पड़े, वो चिंगारी आप उस आग को लेकर के जाइए जिसमें समाज में जरूरत है, मानव जाति को जरूरत है। इसको उठाइए जो पीड़ा पतन में गिरी जा रही है, जिस ससक रही है, इसको जीवन दान देना है, इसको ज्ञान देना है, और ज्ञान बगैर प्रकाश के नहीं आएगा, बगैर प्रकाश के ज्ञान नहीं आ सकता है, और ज्ञान जब आएगा, ज्ञान आएगा अज्ञानता हटेगी, अज्ञानता का अंधकार हटेगा और ज्ञान का सूर्य उदय होगा। वो सूर्य उदय होगा जब जब ज्ञान की प्रकाश को हम लेंगे, और ज्ञान मिलता है साहित्य के द्वारा, जितना हम उसको पिएंगे, अक्षर नहीं पढ़ेंगे, अक्षर पढ़ना बात अलग है, अक्षर से नहीं बनता, इससे उस आग से कि इसमें गुरुजी ने कितनी आग उड़ेली है, उसमें एक एक अक्षर आप पढ़िए तो सही, आप तिल मिला जाएंगे, आप तिल मिला जाए, आप पढ़िए, अरे ये क्या कह दिया, आप कहाँ तो लेने चली थी, आग बताए, अरे ये आग ही है, मैं कह रही हूँ, इस आग को फैलाइए, आप इस चिंगारी को फैलाइए और इस चिंगारी के रूप में आशीर्वाद आप लेके जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मैं बात समाप्त करती हूँ। ओम न त्वं कामये राज्यं न शोक्यं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनं। ओम शांति।